मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया काल्या। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। ओफो, अभी तक भीम भी नहीं आया। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। अब कालिया मुझे महाराज जरूर कहेगा। तो तुम्हें सब याद आ गया? तुम मजाक कर रहे थे ना? हंसना बंद करो। लेकिन जग्गू, जग्गू महाराज कहो, मुझे महल ले चलो। लगता है इसकी याददाश्त खो गई है। लेकिन महाराज, हम सब कुछ काम के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन भीम, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। ये जैसा कह रहा है वैसा ही करते हैं और इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं। क्या काम है? हमें पड़ोस वाले गांव दावत के लिए जाना है। दावत? हमारी सवारी की तरह? सेवक, आज तुम हमारी सवारी बनोगे। मैं कोई सेवक सेवक नहीं हूँ, मैं सवारी नहीं बनूंगा। सेवक, सेवक, इधर आओ। कालिया, सिर्फ कुछ ही समय के लिए जग्गू के सेवक बन जाओ, फिर कुछ ही देर में सब पहले जैसा हो जाएगा। सफर शुरू किया जाए। से खुद को महाराज समझने लगा। इसका मतलब उसकी याददाश्त चली गई है, हमें उसे यादगार जल पिलाना होगा। तो पिलाइए ना। मेरे पास वो नहीं है। कहाँ मिलेगा वो पानी? पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित झरने से बहता है, लेकिन इस शीशी में कैद करते ही उस जल का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, मैं वो लेकर आता हूँ। लेकिन जग्गू को भी साथ ले जाना, तुम्हें उसे सूरज डूबने से पहले वो जल पिलाना होगा। ठीक है वैद्य जी। और देर मत करना बेटा, वरना याददाश्त वापस नहीं आएगी। हाँ हम कब
बहुत भूख लग रही है। बस महाराज पहुँचने ही वाले हैं। नहीं रुक जाओ, हमें अभी कुछ खाना है। लेकिन महाराज हमें देर हो जाएगी। सेवक जी महाराज, हमारे लिए कुछ आम ले आओ। अभी क्या अभी? ये क्या मुसीबत है, ये लीजिए महाराज। अब थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन महाराज हमें देर, हमें कुछ नहीं सुनना, अभी आराम करना है। अब क्या करें? हमें जाकर वो जल लेकर आना होगा। लेकिन ये उठ गया तो? तुम कालिया और ढोलू भोलू इसे यहीं रोक के रखना, हम वो जल लेकर आते हैं, ठीक है? वाह, अब जग्गू ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, सफर शुरू करो। महाराज अभी तो मनोरंजन का वक्त हो गया। मनोरंजन? हाँ महाराज, अभी तो यहाँ नाच गाना होगा। कौन नाचेगा? सेवक। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। महाराज एक स्वामी ने ये अमृत जल आपके लिए भेजा है, इसे पीकर आप शक्तिशाली बन जाओगे। इसे सिर्फ एक महाराज ही पी सकते हैं। ये लीजिए महाराज। चिट्ठी आई है लोहा नगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। जी महाराज। भीम, लोहा नगर को मदद की जरूरत है। ये कौन सा गांव है? ये गांव ढोलकपुर से थोड़ी दूर है। भीम तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। पर ठीक है महाराज, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। कोई तो बड़ी मुसीबत होगी। क्या हुआ? यहाँ रास्ते के बीचों बीच बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ? तुम में ताकत तो है। पर आप कौन हैं? मैं हूँ स्वामी अपरंपार, और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। इन्हें कैसे पता चला? चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। महाराज
स्वामी जी। पहन लो इसे बेटा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी, लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। वो रहा लोहा नगर, मतलब हम पहुंच गए। लोग सावधान रहना। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो तुम लोग? मैं भीम हूँ, हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरी चिट्ठी पढ़कर? लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूं वो लोहे का बन जाए। हाँ। हो जाए सच जो भी इसने चाहा, जिसे भी ये हाथ लगाए बन जाए लोहा। और जब मैं सपने से उठा, तब मेरे हाथ में एक कड़ा था। मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। मुझे लगा ऐसे तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। लेकिन फिर वो भी लोहे के बन गए। नहीं, लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो देखो, तोड़ दीजिए ना। नहीं, ये टूटता भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं एक मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जा हालिया। दोनों बोलो रुक जा। मैं कोशिश करूँगा। क्या कहा, तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन भीम, अगर तुम भी पुतले बन गए तो? नहीं, डरो मत राजू। लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी, लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। हाँ, वैसे भी स्वामी जी ने कहा था इसे पहनने वाला कभी लोहा नहीं बन पाएगा। हाँ। ये लोहा।
शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। भीम, उन्हें देखो। देखा, आखिर मैंने वो कड़ा तोड़ ही दिया। तुमने नहीं, भीम ने तोड़ा। ठीक है, वैसे भी ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसे तो वापस पुतला बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लो। धूल का एक भी छींटा नहीं दिखना चाहिए। मेरी दुकान हीरे जैसी चमकनी चाहिए, हीरे जैसी। हम मदद करें टुनटुन मौसी। मदद करना चाहता था। इसे मदद कहते हो? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मेरी पूरी मेहनत पानी में मिला दी, जंगल में जाकर अपना खेल कूद क्यों नहीं करते? चकू! अरे रहने दो उसको, अब शरारत करने से पहले दो बार सोचेगा। चलो चलो, जल्दी से लग जाओ अपने काम पर, तुम्हारे दोस्त की हुई गड़बड़ को साफ करने में। देख क्या रहे हो, चलो। और मैं बस एक जंगल का बंदर। काश मुझे मेरे जैसा ही कोई मिल जाए। अकेले हो? मैं जैसी हूँ, और तुम ऐसे दुखी आत्मा बन के क्यों बैठे हो? मेरे दोस्त, मैं उनके साथ खेलता तो हूँ, लेकिन उनके जैसा नहीं हूँ। सीधी बात है, तुम मेरे जैसे हो एक बंदर, और बंदर ही हैं दुनिया में धूम मचाने वाले। हम हैं बंदर जंगल के राजा, चाहे जिसका बजा दे बाजा। पेड़ पे चढ़ हम छलांग लगाएं, हमारी पूंछ हर जगह पहुंच जाए। आदमी हम जैसे हैं सही, पर हमसे बढ़कर कोई नहीं। तुम कहाँ से आए हो जैसी? मैं आया दुनिया के उस पार से, एक चमकदार जहाज में, एक शानदार द्वीप से, जहाँ सिर्फ बंदरों का राज चलता है। मतलब वहाँ बच्चे भी नहीं है? भीम, राजू, चुटकी जैसे दोस्त नहीं है? जग्गू, एक बात बताओ, क्या उनमें से एक भी आया है तुम्हें ढूंढने के लिए? छोड़ो ना, अब तुम अपने नए दोस्त को ढोलकपुर की मस्ती दिखाओ। मुझे यकीन है कि मेरे द्वीप जैसा हट के यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा, शर्त लगानी है? चलो। ओहो! जग्गू! कहाँ गया होगा? कहीं हमेशा हमेशा के लिए ना भाग गया हो? नहीं नहीं, चिंता मत करो राजू, यहीं कहीं होगा। कौन है? ओ जग्गू, तुम? और ये कौन है? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी जाओ, पर आते रहना। चोर, चोर! जैसी, भागा!
रुक जाओ, मैं राजू को नहीं छोड़ सकता। मेरा जहाज बस एक बार देख लो, अगर तुम्हें फिर भी यहाँ रहना है तो तुम्हारी मर्जी। ए, क्या हो रहा है? बहुत खूब जैजी। जैजी? जैजी मेरे लिए काम करता है। वो राजमहल के गुप्त रास्ते का राज जानने गया था और वहाँ तुम जैसा बुद्ध मिल गया, और अब हम ढोलकपुर के राजमहल पर हमला करेंगे। चलो। शुक्रिया जग्गो। अब तो भीम ही कुछ कर सकता है। भीम, अब ये सब मेरा है, मेरा मेरा मेरा। डाकू शतक का राज होगा। इतनी जल्दी नहीं। तू पिंजरे में से छूट कैसे गया? राजू, जग्गू, आग बुझाओ। आगे बढ़ा तो इस बंदर को टाटा बोलना पड़ेगा। उसे छोड़ दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। जग्गू, तुम तो एक सच्चे दोस्त निकले, और मैंने हार मान जाओ महाराज। राजकुमारी को छोड़ दो। जैसी गए डाकू, कभी नहीं। नीचे झुको। महाराज, आपके कैदी। भीम, आज तो तुमने हम सब की जान बचाई। सबकी नहीं महाराज, वो कितना बहादुर था। वो जिंदा है? वो उस डाकू के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बेटी की जान भी बचाई। तो अगर इंदुमती को... पिताजी, मैं जैसी की देखभाल करूंगी। जग्गू, मुझे माफ करना, मैं... माफ करने का वक्त नहीं है दोस्त, अभी वक्त आ गया है साफ करने का। जग्गू और जैसी के अंदाज में। सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। इस रंगीन पहेली में जरूर कुछ राज है। नहीं भीम, वरना तुम भी इसके जादू में फंस जाओगे। पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। दरवाजा भी गायब हो गया। लगता है हम हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हैं। चुप रहो तुम दोनों, यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा।
जब तक इस पहेली को राजू ने छुआ नहीं था तब तक उस पर इसका कोई असर नहीं था। जग्गू जरा पेड़ पर चढ़कर देखना कि आसपास कोई है क्या। उस तरफ मुझे कुछ दिख रहा है, शायद हमें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। जाइए, हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए और हमारी दुनिया को बेरंग बना दिया। तो क्या इस देश में कभी रंग नहीं लौट सकते? अगर वो पहेली वापस काली हो जाए तो उसमें कैद सारे रंग रंगीनपुर में लौट आएंगे। वो पहेली हमारे पास है, पर उसे काला कैसे करें? यहाँ तो सिर्फ सफेद रंग ही है। और हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कहाँ रहती है काली रानी? इस सफेद दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काली है और वो है काली रानी का महल। उस दिशा में जाने पर तुम्हें महल मिल जाएगा। अब इस काली रानी को सबक सिखाने का समय आ गया है। वो देखो, दरवाजा खुल रहा है। हो तुम और मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम भीम है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रंगीनपुर को उसके रंग लौटा दो और हमें ढोलकपुर वापस भेज दो। क्यों ना मैं तुम्हारे रंग भी छीन कर रंगीन पहेली में बंद कर दूं। रंगीन पहेली मुझे दो।